गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रवीना शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर अस शेखावत बैंकर्स। फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगे देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह के साथ बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसके ऑप्शंस हैं भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है भारत। ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की सातवीं बैठक की मेज़बानी भारत ने की है। भारत ने 19 मई के दौरान इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे महाराष्ट्र में ऑनलाइन मोड में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की सातवीं बैठक की मेज़बानी की। ब्रिक्स बैठक 2021 कैलेंडर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ट्रैक के तहत आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष की ओर से IUCAA पुणे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार ने बैठक का समन्वय किया। बैठक के सभी 5 ब्रिक्स देशों के रिसर्चर, अकेडमिशियन, एस्ट्रोनोमर्स और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ने हिस्सा लिया था। ब्रिक्स की स्थापना 2019 में हुई। इसमें जो सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और इस 2021 की अध्यक्षता कर रहा है भारत। हर्षवर्धन ने राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं सम्मेलन की अध्यक्षता की है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र के FDI को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? के ऑप्शन है 50%, 70%, 74%, 89%। इसका राइट आंसर है 74%। वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस के क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा कंपनियों विदेशी निवेश संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया, जो बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% कर देता है। भारतीय बीमा कंपनी विदेश निवेश संशोधन नियम 2021 ने भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम 2015 में संशोधन किया है, जो पहले से 2015 का जो भारतीय बीमा कंपनी नियम था उसमें संशोधन करके अब ये संशोधन नियम 2021 हो गया है। और जो भारतीय बीमा कंपनी नियम 2015 था उसमें यह 26% से बढ़ाकर 49% किया गया था, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि अब 49 से बढ़ाकर 74 कर दी गई है। संसद ने मार्च 2021 में भारतीय बीमा कंपनी विदेश निवेश संशोधन नियम 2021 पारित किया था। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी की कर्नाटक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर हमीरपुर UP से। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, NCPCR ने COVID-19 के दौरान बच्चों के लिए मनोसामाजिक मानसिक सहायता प्रदान के लिए क्या लॉन्च किया है? मीन्स कोई पोर्टल। इसके ऑप्शन है कोविड हेल्प, संवेदना, हेल्थ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है संवेदना। NCPCR ने COVID-19 के दौरान बच्चों के लिए मनोसामाजिक मानसिक सहायता प्रदान करने के लिए संवेदना लॉन्च किया है। संवेदना की फुल फॉर्म है सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वनरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। इसका मुख्य उद्देश्य है COVID-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक, प्राथमिक चिकित्सा और भावनात्मक सहायता प्रदान करना। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए CSR प्रोजेक्ट CHEC लॉन्च किया? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन ने भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए CSR प्रोजेक्ट CHE लॉन्च किया है। CHE की फुल फॉर्म स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट। 2021 के दौरान यूनेस्को सतत विकास के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन
17 से 19 मई 2021 के बीच बर्लिन जो कि जर्मनी से आयोजित टाटा कम्युनिकेशन ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है छोटे शहरों की कम से कम 10 लाख महिलाओं को उद्यमी बनने के अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करना। टाटा कम्युनिकेशन इसके MD एंड CEO है अमूर स्वामीनाथन लक्ष्मी नारायण। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसके DG डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इसके अलावा IMF ने 2022 तक सभी को टीका लगाने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना का प्रस्ताव दिया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने FIS से ATN ग्लिचिच जीता, ये एक पुरस्कार है। इसके ऑप्शंस हैं हॉकी ब्राज़ील, हॉकी इंडिया, हॉकी स्पेन, हॉकी ब्रिटेन। इसका राइट आंसर है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया ने हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी से ATN ग्लिचिच जो अवार्ड है ये जीता है। हॉकी के विकास और हॉकी के विकास में इंडिया के योगदान के सम्मान में हॉकी इंडिया ने ATN ग्लिच पुरस्कार जीता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी द्वारा अपने 47वें कांग्रेस के हिस्से के रूप में आयोजित आभासी सम्मेलन में विभिन्न व्यक्तियों, टीमों और संगठनों ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी मानद पुरस्कार प्राप्त किया। जो ये ATN ग्लिचेस पुरस्कार है ये पैनल की सिफारिश पर पुरस्कार कार्यकारी बोर्ड द्वारा हर 2 साल में दिया जाता है। हॉकी इंडिया इसके महासचिव राजेंद्र सिंह, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अगले एमडी कौन बनेंगे। इसके ऑप्शंस हैं अरविंद कुमार, राजीव एलावाड़ी, MR कुमार, अजय त्यागी। इसका राइट आंसर है अरविंद कुमार। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद कुमार बनेंगे। जो ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक यूनिट है। अरविंद कुमार जो कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 कब मनाया गया। इसके ऑप्शंस हैं 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई। इसका राइट आंसर है 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 22 मई को मनाया गया। इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसके अलावा एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया गया। इसके अलावा जो इनडेंजर्ड स्पीसीज और डे है मीन्स लुप्त प्राय प्रजाति दिवस यह भी 21 मई को मनाया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।